लेकिन तूने अपनी ये क्या हालत बना रखी है जस्सू? तू तो स्वीटी के घर पे थी ना, और तू घर पे क्यों नहीं आई? घर आना चाहिए था ना तुझे, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, पता सब कितने परेशान है। जैस्मिन, अगर अपनी सलामती चाहती हो ना तो मुझसे, तेजो से, इस पेंट से हम सबसे दूर चली जाओ। कोई बात नहीं, तुम मिल गई है ना मुझे, अब मैं तुझे वापस घर लेकर जाऊंगी। चल छोड़ मेरा हाथ तेजो, मैं नहीं जा पाऊंगी तेरे साथ घर। जस्सू ऐसे क्यों बोल रही है? तो और कैसे बोलूं तेजो, और क्या करूंगी मैं घर जाके? मेरी वजह से तो तेरी ऐसी हालत हुई थी ना, मेरी वजह से तेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आई आज तक, तो फिर मैं तेरे साथ वापस घर क्यों जाऊं? मैं यही ठीक हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़ दे मेरे हाथ पे। और वैसे भी तुझे जब होश नहीं था, पूरे 9 महीनों तक तूने मुझे गंदी बहन कह के बुलाया, और मुझे पूरा यकीन है कि अब जब तू होश में आ गई तब भी तू मुझसे बहुत नफरत करती है। और तुझे तो ये भी लगता है ना तेजो कि मैंने तुझे मार देने की कोशिश की है। तुम दोनों ने मिलकर आग लगाई और वहां खड़े होकर मुझे जलते हुए देखते रहे, तो फिर क्यों जाऊं मैं तेरे साथ? तू प्लीज घर जा, और मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं कभी भी घर वापस ना हूं, और तेरी लाइफ में भी मैं चली जाऊंगी तुम सबकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर। नहीं जस्सू, वो सब गलत फहमी थी जो दूर हो चुकी है। मैं कह रही हूँ ना, मैं सब जान चुकी हूँ, मम्मी पापा ने मुझे सब बता दिया। जस्सू मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ था वो तुमने और फतेह ने नहीं, अंगद ने किया था। मैं तुम पे बस शक करती रही और तुम्हें गलत मानती रही, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है जस्सू, मेरी बात का विश्वास कर, और मेरी गलतियों की सजा तू खुद को क्यों दे रही है? देख तुझे और तेरे बच्चे को ना सबके प्यार की जरूरत है, और सबको तेरी। जस्सू देख तू कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप मेरे साथ घर चल। हाँ अच्छी बहन है ना मेरी, आज नहीं तेजो, तू अच्छी है इसलिए तुझे सब अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की है, स्पेशली तेरे साथ तो मैंने हमेशा बहुत गलत किया है। तेजो मैं तेरे साथ नहीं जा सकती हूँ घर, तू प्लीज मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दे, मैं देख लूंगी अपने आप। और मुझे तो लगता है मेरे साथ जो भी हो रहा है ना बिल्कुल ठीक हो रहा है, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। पहले तो अमरीक मुझे छोड़कर चला गया, फिर स्वीटी की मम्मी ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, मेरे साथ तो होना ही ऐसे चाहिए क्योंकि मैं किसी के प्यार किसी की केयर के लायक ही नहीं हूँ। तुझे स्वीटी की मम्मी ने घर से निकाला नहीं है, आधी रात में धक्के मार के बाहर निकाल दिया, पूरी रात मैं सड़क पर सोई हूँ, और फिर सुबह उठकर मुझे चोरी करके अपना पेट भरना पड़ा। लेकिन मुझे ऐसी लाइफ जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब तो मैंने खुद ही लिखा है अपनी किस्मत में। तो ठीक है, सारी रात सड़क पे क्या? मुझे तो लगता है मुझे सारी रात कचरे के डिब्बे में सोना चाहिए था, क्योंकि मैं हूँ इसी लायक, मैंने गलतियां ही ऐसी की है। तू प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, तू घर जा और मेरे पीछे मत आ प्लीज। नहीं जस्सू, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तेजो प्लीज मुझे जाने दे, मुझे अच्छे से याद है कि जब अमरीक जिंदा था ना तो किसी ने भी मुझे उसकी वाइफ की तरह एक्सेप्ट नहीं किया था, और अब जब वो मेरे साथ नहीं है तब कोई मुझे उसकी विधवा भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तू क्यों रोक रही है बार-बार मुझे तेजो? तू जाना घर, सब तेरे ठीक होने पे कितने खुश होंगे ना, प्लीज उनकी खुशी को दुख में मत बदल, मुझे घर पर ले जाके। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद भी उसे सिर्फ और सिर्फ नफरत मिलेगी, तो मैं क्यों लाऊं इसे इस दुनिया में? मैं इसे नहीं पैदा कर सकती थी, जो मैं अबॉर्शन करवा लूंगी, मैं मार डालूंगी इस बच्चे को, मैं नहीं लाऊंगी दुनिया में। जस्सू मैं नहीं लाऊंगी इस बच्चे को इस दुनिया में, मैं मार दूंगी इसे, तो प्लीज कर रही है जस्सू, इस बच्चे को मार देना चाहती है तू जानती भी एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है? मुझसे पूछ जस्सू, मैंने खोया अपना बच्चा, जब आप उसका चेहरा भी ना देखो, वो आपकी गोद में भी ना आए और उससे पहले दुनिया से चला जाए ना, तो बहुत दर्द होता है।
मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, लेकिन रब ने तुझे ये मौका दिया और तू नाशुक्र वाली बातें कर रही। जस्सू, ये बच्चा ना किसी पे बोझ नहीं बनेगा, सब बहुत प्यार करेंगे इससे। ये बच्चा तो उम्मीद है जस्सू तेरी नई जिंदगी के लिए, दोनों परिवारों के मजबूत रिश्ते के लिए। तू देखना, इस बच्चे से ना सब बहुत प्यार करेंगे, इसकी मासी, नाना नानी, दादा दादी, सब। अब कोई जिद नहीं करेगी, तू चुपचाप मेरे साथ घर चलेगी। मासी आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपका बहुत ख्याल रखेगी। आई प्रॉमिस, जब तक आपकी मासी है ना, आपको कभी किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। अपनी मासी पे भरोसा है ना? वाओ छोटू, मैं तो तुझे ऐसे ही समझती थी, लेकिन तू तो बड़े काम का निकला। फतेह सिंह विश्क, तुमने मुझे स्पिन से चले जाने के लिए कहा था ना, अब तुम्हारी वो टीम मुझे घर वापस लेकर जाएगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्या जैस्मिन घर? मेरा मतलब, थैंक गॉड जैस्मिन घर आ गई। हाँ पुत्र, वो स्वीटी के घर से तो निकल आई थी, लेकिन घर ही नहीं पहुंची थी वो। सबको बड़ी फिक्र हो रही थी उसकी, लेकिन तेजो से ढूंढ कर घर लेकर आई है। तेजो जैस्मिन को घर ले आई है? अब से ना तेरा ख्याल मैं ही रखूंगी। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी खाना पीना हो, मुझे बताना। देख रहा बेबे, कितने टाइम बाद मेरी दोनों बेटी आपस में कितनी खुश है। अरे तेजो तो ना खुशी बहुत है, अरे पागल हुई जा रही है वो जैस्मिन के पीछे। जब से उसे पता चला है कि जैस्मिन मां बनने वाली है। जा मिल ले। बेबे, बहुत अरसे बाद मेरे घर में खुशी आई, बस रब करे ये खुशी ऐसे ही बरकरार रहे। जैस्मिन के रहते हुए इस घर में खुशियां कैसे आ सकती हैं? वो कभी नहीं बदल सकती, वो आज भी तेजो के लिए खतरा है। अच्छा एक बात बता, बेबी किक मारता है? हाँ कभी कभी। अगली बार जब भी वो किक मारेगा ना, तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मुझे भी ना उस मोमेंट को फील करना है तेरे साथ। ये तो यही आया हुआ है, लाइव टेलीकास्ट देख रहा है अपनी हार का। तेजो, ये तो ठंडा पानी है, थोड़ा सा गर्म करके ला दे प्लीज। मैं भी ले आती हूँ। वेलकम। क्या हुआ, कैसे क्यों देख रहे हो? आठवां जुबा देख लिया है क्या? मैं तो भूल ही गई थी, जस्सू भी किसी आठवां चुपे से कम थोड़ी ना। तुम जैस्मिन को जिस काम के लिए मना करोगे ना, वो वही काम करेगी। इससे ना मुझे किक मिलती है। दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? जैस्मिन, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, आज रात तक यहाँ से चले जाना, वरना क्या करोगे तुम? बता दोगे सबको कि मैंने क्या किया? जा बता दो। तुम तो अभी तक यहीं खड़े हो, गई नहीं? जाओ जाके बताओ ना। अरे जाओ ना, जाओ। ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि तेजो बेचारी अभी अभी ठीक हुई है और शायद वो पूरी तरह से नॉर्मल हुई भी नहीं है। अब ऐसे में तेजो को वापस से इतना स्ट्रेस और टेंशन देना और बड़ी मुश्किल से तेजो की इस उलझी जिंदगी में ना ये मेरा छोटू थोड़ी सी खुशियां लेकर आए। और मुझे पूरा यकीन है कि तेजो से तुम ऐसे उसकी खुशियां तो नहीं छीनोगे। इतनी मुश्किल से उस बेचारी के चेहरे पे इतने टाइम के बाद स्माइल आई है,
बेचारे के चेहरे से तुम उसकी स्माइल तो नहीं छीनना चाहोगे, है ना? मैं जानती हूँ तुम तेजो को ये सब नहीं बताओगे, नहीं बताओगे ना, क्योंकि तुमने अगर तेजो को ये सब बताया और वापस से उसे कोई एक और नया सदमा लग गया तो इस बार तो बेचारी पूरी तरह से बाहर निकालो अपने अंदर के जानवर को, क्यों रख रहे तुम? वरना तुम्हारी ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, तुम्हें अंदर ही अंदर चीर फाड़ के रख देगी। मुझे तो कभी कभी बहुत हंसी आती है यार, पता तुमने सोचा भी हमारे कितने सारे रिश्ते हैं, पहले गर्लफ्रेंड, फिर होने वाली पत्नी, फिर वापस से दुश्मन, फिर गर्लफ्रेंड, फिर भाई की पत्नी। ओ भाई इतना कंफ्यूजन है, और ऊपर से यहाँ अलग स्टोरी चल रही है। इस छोटू के लिए तुम्हारी मम्मी पकलाए जा रही है और यहाँ पे तुम्हारी पत्नी इस पर अपनी पूरी जान लुटा रही है, और इस सर्कस के बीच में फंस गया तुम जैसा अच्छा लड़का जो कि एक अच्छा बेटा भी बनना चाहता है और एक बहुत अच्छा अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखने वाला पति, लेकिन बन नहीं पा रहा क्योंकि ये सब रायता फैलाने वाला कौन है? मैं, जैस्मिन संधू। ठीक समझा तुमने, एक बेशरम, बेहुदा और ठीक लड़की जिसका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। बेचारा फतेह, अब क्या करेगा फतेह? क्योंकि तुमने अगर तेजो को ये सब बताया और वापस से उसे कोई एक और नया सदमा लग गया तो इस बार तो बेचारी पूरी तरह से, बेचारा फतेह, अब क्या करेगा फतेह? फिर जैस्मिन का इलाज करना पड़ेगा। हमारी लाइफ के दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग उसके कंट्रोल में, तेजो का बच्चा। मुझे बहुत होशियार रहना पड़ेगा। हाँ बोलो। फतेह कहाँ यार तू? क्या हुआ है? इतना परेशान क्यों है तू? कुछ नहीं, तू घर आएगा फिर बताता हूँ तेरे को। बुजो। बुजो? तुमने तुमने फतेह को यहाँ बुलाया? क्यों? और यार मैं क्या करता? यार जब से तुमने वो फोन वाली बात बताई है यार मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। और यार फतेह मेरा यार है, यार उसको बात तो बताऊंगा ही ना मैं। बुजो तुम बात समझने की कोशिश किया कर। फतेह की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो तेजो के घर उसका हाल चाल पूछने के लिए गया और उसके ऊपर से तुमने उसको यहाँ बुला लिया। हाँ मैं यार जानता हूँ, लेकिन बात हमारी कैंडी की है और यार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ जैसे मुझे तो कैंडी की फिक्र नहीं है ना, मैं कैंडी की माँ नहीं हूँ क्या? उस पेगो सेट को देख रही हूँ, उसके एक एक पीस को मैंने अच्छी तरह साफ किया है कि उसके ऊपर कोई केमिकल ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जो मेरे बच्चे को, मेरे कैंडी को नुकसान दे दे। देखो बुजो, मेरी फैमिली ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है और मैं उन्हें पीछे बहुत एम्बेरस कर चुकी हूँ। प्लीज तुम क्यों ये सब हरकतें करते हो? तुम कभी मेरी बात को नहीं समझते हो, हमेशा जाके फतेह को बोल देते हो कुछ ना कुछ। वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है, तुम इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं नहीं चाहती कि फतेह को कुछ भी पता चले। प्लीज प्लीज मेरी बात समझा करो, फतेह को कुछ भी बता दो प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है यार मैं कुछ नहीं बताता, तुम रो मत प्लीज। अच्छा अब मुझे ना ढंग से सब कुछ बताओ, वो बंदा कौन था और क्या कह रहा था वो सब? मिल गया गिफ्ट। मुझे भी मिल गया। डिलीवरी नोटिफिकेशन। मुझे नहीं पता बुजो,
कुछ नहीं पता वो इंसान कौन है, वो क्या चाहता है, मैं नहीं जानती। पर मुझे इतना पता है कि वो कैंडी को बहुत अच्छे से जानता है। उसे कैंडी की उम्र पता है, उसे कैंडी की पसंद पता है, वो कैंडी की आवाज को पहचानता है। मम्मी 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 मुझे और नानू को मिल्क शेक बना दो जल्दी। ये कैंडी की आवाज थी ना, कितना प्यारा बोलता है, बहुत क्यूट लग रहा है। सच में बहुत क्यूट है क्या? वो कैंडी की आवाज सुन के खुश हो रहा है। कहीं वो कैंडी का पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं उसने हम पे नजर तो नहीं रखी हुई है ना। माही भी यही बोल रही थी कि उस दिन मार्केट में जिस पैगो गेम के बारे में कैंडी बात कर रहा था ना, वो ही पैगो गेम घर आई है। यार सिमी, हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन हमें ना कैंडी का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, हर टाइम कैंडी के साथ रहना पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। और मैंने दोनों नंबरों पे कॉल करके देख लिया, दोनों नंबर ही ऑफ आ रहे हैं। कोई चलाक बंदा लग रहा है, वैसे नंबर बदल बदल के फोन कर रहा है। ऐसे तो नहीं पकड़ा जाएगा। अगर अगली बार फोन आए प्लीज मेरी बात करवाना, ठीक है? और तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रहा था? अरे फतेह, ऐसी कोई बात नहीं है यार, तू ऐसे खामखा टेंशन ले रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उसे मैं भागते भागते आया हूँ, बता क्या हुआ है? मम्मी 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 की टेंशन ले रहा है बहुत ज्यादा। मम्मी ने वो जैस्मिन को बोल दिया ना कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, तो बस फिर जैस्मिन के बच्चे का ख्याल उनके जहन में बार बार आता है और वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती हैं। उसके ऊपर से अभी तक तेजो ने भी नहीं बताया ना तुम्हें कि वो तुम्हारे साथ है या नहीं, मतलब वो ये रिश्ता एक्सेप्ट करेगी या नहीं, तो बस इसीलिए फिक्र में था। ये दो बातें तो मुझे भी परेशान कर रही है। और मेरे पास दोनों ही बातों का जवाब नहीं है, लेकिन मैं जवाब ढूंढ लूंगा। ये शादी नहीं हो सकती। मैं और फतेह दुल्हा दुल्हन बन गए, हमारी शादी हो गई। नहीं सलामती चाहती हो ना, तुम मुझसे, तेजो से, इस पिंड से, हम सबसे दूर चली जाओ। और अगर तुमने बात नहीं मानी ना, तो मैं रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगा। हाथ मत लगा। I'm very sorry, तेजो। भगवान ने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। हमें खुशी है कि तुम वापस ज्वाइन करने के लिए आए हो। थैंक यू मैम। मैंने भी जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मैं अपनी फैमिली और आप लोगों के पास वापस आ सके। बस अब वापस अपनी जॉब ज्वाइन करके ना अपनी एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि आपने मेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर लिया, बट मैं कुछ और कर लूंगी जहाँ पे भी जगह हो। इट्स फाइन, हम आपको वही पोस्ट देंगे जिसके आप हकदार हो। थैंक यू। मैं अंदर। क्या कर रहा है फतेह? क्यों उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? उसे थोड़ा वक्त और थोड़ा स्पेस दे। सॉरी फतेह, लेकिन मैं इस शादी को नहीं मान सकती। ये मंगलसूत्र मैं तुम्हारी अमानत समझ के अपने सीने से लगा के रखूंगा।